बढ़ते हैं। जब हम पावर स्टॉक्स की बात कर ही रहे हैं तो हम एक बार जरा मयूरेश से पता कर लेते हैं। मयूरेश, ठीक है, पीएफसी वाले कह रहे हैं टेक्निकल्स, लेकिन पावर ग्रिड भी टाल ठोक के सामने आया है। कल की क्लोजिंग बेहद शानदार, आज भी शायद शेयर चल सकता है क्या? मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं पावर ग्रिड के अंदर, कर लूं? स्लो एंड स्टेडी मूवर है। और उससे पहले मैं कमेंट करना चाहता हूँ, डिम्पी जी, आप ऑस्ट्रेलियन टीम के पैट कमिंस हो, चौके छक्के लगाते हो आप भी। अरे अरे सर, थैंक यू वेरी मच सर। नहीं तो जहां तक पावर ग्रिड का सवाल रहा है, आई थिंक एक स्लो एंड स्टेडी मूवर रहा है हमेशा। जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ थर्मल पार्क, आई थिंक अभी भी थर्मल पार्क में एडिशन स्लो एंड स्टेडी होते रहेंगे। हालांकि जो गवर्नमेंट का फोकस है टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स, पावर ग्रिड ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स दैट, और इसलिए आई थिंक पूरी जो एक ट्रांसमिशन नेटवर्क बनानी पड़ेगी इवन फॉर द रिन्यूएबल्स चेन इटसेल्फ। आई थिंक यहाँ पे एक बहुत बड़ा योगदान पावर ग्रिड का आ सकता है। एक बहुत बड़ा पैरामीटर रहता है कैपिटलाइजेशन टू केपेक्स रेशियो, जो पावर ग्रिड का बहुत बढ़िया है। कहीं ना कहीं आई थिंक एक्सपेक्टेशन है कि जो एबिटा मार्जिन्स और जो रिपोर्टेड रेगुलेटेड आरओईज हैं, ये स्टेबल रहने चाहिए लुकिंग एट द पावर कंजम्पशन एंड डिमांड इटसेल्फ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक जो एक डिविडेंड यील्ड ये स्टॉक देता है, जिससे डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्ट होता है। तो मुझे लगता है स्लो एंड स्टेडी है। बट अगर जो इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, उनकी पोर्टफोलियो में शायद रहें। ओके, तो चलिए, पावर स्टॉक्स पर लगातार करंट है और पावर ग्रिड पर करीब 4% की तेजी। फंडामेंटल व्यू आपके लिए, लेकिन